हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। फोर थिन रॉड्स ऑफ सेम मास एम एंड सेम लेंथ एल फॉर्म अ स्क्वायर एज शोन इन फिगर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ओ एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज। सो बच्चों, क्वेश्चन में हमें दिखाई हुई है चार रॉड्स, जिसमें ईच रॉड हैज मास एम एंड सेम लेंथ एल है इनकी, और ये मिलकर एंड टू एंड ज्वाइन होकर बना लेती हैं एक स्क्वायर। अब हमें बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ओ, जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन होगा। इसके लिए हम मान लेते हैं पहले रॉड्स के नंबर। सपोज दिस इज 1, 2, 3 एंड 4। अभी चारों रॉड्स आइडेंटिकल हैं। अब रॉड 1 का सेंटर डिनोट कर देते हैं, लेट दिस इज पॉइंट पी। तो हमें मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड 1 अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर पी इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों, हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट 2 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसके लिए हम अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जिसमें स्टेटमेंट है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। तो यहाँ हम देख सकते हैं पी एंड ओ के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज एल बाई टू। तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं आई सी के प्लेस में एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस एम एच के प्लेस में एल बाई टू, तो एच स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। सो यहाँ एल सी एम आ जाएगा 12, तो दिस इज एम एल स्क्वायर प्लस 3 ml². सो ये आ जाएगा हमारे पास 4 ml² डिवाइडेड बाई 12, इट मीन्स एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। अब बच्चों, वन रॉड के जैसी 2, 3 एंड 4 टोटल चार आइडेंटिकल रॉड्स हैं यहाँ पर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट पॉइंट ओ हो जाएगा 4 rods मल्टीप्लाइड बाय एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। थैंक यू।